खवातीन के एक मारूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालिबा जोर जोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग इसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की तीन रो से तालिबात की खुद तलाशी ली और फिर इन्हें पूरी क्लास की तालिबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद दो लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? मिस, तलाशी लेने वाली तालिबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वही तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं, कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया, नहीं मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी, इसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। इसे गुस्सा आ गया, टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, वो जोर जोर से रोने लग गई। टीचर फिर आगे बढ़ी, अभी इसने तालिबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारोब आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने इन्हें जाकर खबर कर दी थी। इन्होंने तालिबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गए। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। इन्होंने तालिबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं, इसने नफी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए, प्रिंसिपल मतानत से बोली, तमाम तालिबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थी, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। इसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकलकर इसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहां दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालिबा का चेहरा देखकर इसे चोर मानने पर आमादा ना था। फिर इसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली निशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तफसार किया। इसने खामोशी से अपना बैग इनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये क्या, किताबों कॉपियों के साथ एक फूला पिचका हुआ शॉपर बैग भी बाहर निकल आया। तालिबा को यूं लगा जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंद गई। प्रिंसिपल ने शॉपर खोला, इसमें बचे कुचे खाए नान, कुछ कबाब और चिकन की बोटियां। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी, रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर तीन बहन भाई इससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है, पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था, नाश्ते में कुछ ना था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और अध खाया एक चिकन पीस पड़ा देखा, बेख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोजख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। इसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात इसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने इसे अपने हालात सच सच बता दिए। इसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोजाना शॉपर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू को इल्म है, मैंने कई मर्तबा देखा है लोगों का बचा कुचा खाना खाते वक्त इनकी आँखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, इन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं अगले वीडियो में।